रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज या देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता जिसमें आपसी द्वेष हो। हम भारत जोड़ो यात्रा में इसी जहर को खत्म करने का कार्य करेंगे। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए कपिल सिब्बल वाले प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले वे आरजेडी से राज्यसभा में गए थे, फिर कांग्रेस से गए थे, अब समाजवादी से चले गए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें ना भाजपा की जीत हुई है और ना ही किसी की, बल्कि पिछड़े वर्ग की ही जीत हुई। दो तरह के लोग होते हैं, एक सत्ता भोगी होते हैं, एक विचारधारा के समर्थक होते हैं। इसलिए जो सत्ता भोगी है वो छोड़ देते हैं और बाकी जो विचारधारा के लोग होते हैं वो छोड़ जाते हैं। तो हमारे संजय शर्मा जी, ये जब हम विपक्ष में थे तब कांग्रेस में आए, इसलिए ये विचारधारा इनकी कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने इनका ख्याल नहीं रखा, तो थोड़ा नाराज हो गए थे वापस आगे, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं होते हैं, जनता पे जो लोकप्रिय होते हैं चुनकर आते हैं। लेकिन इतना जरूर है, हम मांग करते हैं सरकार से अधिक अधिकार पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद देने चाहिए। जो अधिकार हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में थे वो पूरे अधिकार उनको देने चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास सत्ता होनी चाहिए, ना कि अधिकारियों के पास।